आप देख रहे हैं वाइज़ अप एमपी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं आज नीमच में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इसे लेकर वाइज़ अप एमपी आज आपको दिन भर महाकवरेज दिखाएगा, पल पल की अपडेट दिखाएगा। जिस तरह से वे आज आम सभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ अपडेट इसमें रहेगी, पल पल की अपडेट वाइज़ अप एमपी आपको दिखाएगा। वहीं सबसे पहले हमारी एक टीम हवाई पट्टी पर मौजूद है, अब्दुल अली ईरानी के साथ अशफाक बर्मन, जिनसे हम जानेंगे कि वहां से फिलहाल क्या अपडेट है। जी ईरानी जी, बताएं क्या अपडेट है। महक, इस वक्त में हेलीपैड स्थित जो आम सभा स्थल है वहाँ मौजूद हूँ। जैसा कि विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन नीमच में हो रहा है और वो नीमच मंदसौर जावरा की 8 संसदीय क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र है उसकी 8 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर विशाल आम सभा के लिए भव्य तैयारियाँ की जा चुकी है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको विजुअल भी, आपको तस्वीरें भी भेजी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की तैयारियाँ की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तैयारियां हैं। मैं जी ईरानी जी, बताएं कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है आज प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने की जो संभावना बताई जा रही है वो लगभग 4 बजे करीब की संभावना बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 4 बजे नीमच पहुंचेंगे और यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। उनकी विशाल आम सभा जो हो रही है उसके लिए जो सुरक्षा प्रबंध है वो बहुत कड़े हैं। पुलिस या सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो बहुत बारीकी से हर बात पर निगाह रखे हुए हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति की पूरी चेकिंग की जा रही है। आम जनता के लिए अलग से गेट बनाए गए हैं, वहीं पे वीआईपी और प्रेस के लिए अलग से गेट बने हुए हैं और पूरी तरह से व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट स्थिति में है। महक, तो जिस तरह से आप जान रहे हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं चौक चौबंद वहां पर की गई है सुरक्षा को लेकर, ईरानी जी आप ये बताएं कि किस किस मंत्री के आने की संभावना है साथ में उनके। महक, अभी ये बात थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, चूंकि अभी उनका ये जो है इस बारे में कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आया है जो कि पूरी अधिकृत तौर पर कोई बात बता सके। लेकिन संभावना जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की भी बताई जा रही है और उसके अलावा जो है अभी थोड़ी देर में बाकी के अपडेट आप तक भेज देंगे। महक जी, तो जिस तरह से आपने सबसे पहले अपडेट जानी सीधे हवाई पट्टी से कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के इंतजाम कितने सख्ती से वहां पर किए गए हैं और सभी अधिकारी फिलहाल वहां तैनात हैं और आज दिन भर जो है इसे लेकर पल पल की अपडेट वॉइस ऑफ एमपी आपको दिखाएगा। ये था आप तक का अपडेट। लगातार कवरेज के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।